देखो चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये है क्या चैप्टर, जब कंपनी अपना बेचा हुआ प्रेफरेंस शेयर पब्लिक से वापस ले लिया, ये मेन चैप्टर का फोकस पॉइंट है। काम का एंट्री देखा जाए जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है वो तो तीन ही है, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एंट्री तो तीन ही जनरल एंट्री पास करना है आपको। पहला एंट्री पास करना है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यू एंट्री, मतलब उनको पैसा देना है, इस बात को लिखने का एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे वापस ले रहे हैं तो प्रीमियम में लिया खर्चा है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा देना किनको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये होता है ड्यू एंट्री, एक तो ये एंट्री पास होगा इस चैप्टर में काम का। अब सर लिख तो लिए देना तो दे दीजिए पैसा, तो देने का एंट्री, नेक्स्ट एंट्री होगा पेमेंट एंट्री, जो कि होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा चुका रहे हैं उनको। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का 9% वाला प्रेफरेंस शेयर है, 1000 प्रेफरेंस शेयर है ऐसा जिनका एक का फेस वैल्यू 10 रुपये, या 10,000 प्रेफरेंस शेयर जिनका एक का फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी बोल रहा है प्रीमियम पे रिडीम करेगा, 20% प्रीमियम पे, ठीक है वैष्णवी। तो कंपनी पहला एंट्री क्या पास करेगा, पहले ड्यू एंट्री पास करेगा, मतलब वो एंट्री करेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 × 10, पूरा प्रेफरेंस शेयर कैंसिल, 1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर कैंसिल हुआ, उस पर प्रीमियम कितना देना है 20%, 1,00,000 का 20% 20,000, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 20,000, और यानी पूरा 1,20,000 रुपया देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री क्या करेगा, पेमेंट एंट्री, तो यानी 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा 1,20,000 पे कर देने का एंट्री। तो ये दो तो काम का एंट्री है सर, एक और ऐसा एंट्री जो प्रेफरेंस शेयर से ही कनेक्टेड होगा बात करने में। सर आप पैसा कहां से दे रहे हो, या तो आपके पास उतना रिजर्व एंड पीएल था जहां से आप ये पैसा लौटा रहे हो, या फिर आप कोई और नेचर का सिक्योरिटी को इशू कर रहे हो। तुम्हारे पास अगर उतना रिजर्व और पीएल नहीं है तो तुम अदर कोई नेचर यानी डिबेंचर या इक्विटी शेयर इशू करके पैसा जुगाड़ रहे हो, मतलब अदर कोई सिक्योरिटी को इशू करके पैसा जुगाड़ो, या फिर तुम्हारे पास रिजर्व पीएल में उतना फंड हो वहां से पैसा। तो मान लो ये 1,20,000 रुपया जो दे रहे हैं, हम ये प्रीमियम का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रीमियम का बात नहीं कर रहे हैं, ये जो 1,00,000 रुपया दे रहे हैं कैपिटल का, उसमें से मान लो 80,000 का तो मेरे पास रिजर्व था, बाकी 20,000 कम पड़ रहा था वो हम डिबेंचर या इक्विटी इशू करके पैसा जुगाड़े, ठीक है। तो बेटा जी जितना खुद की जेब से दे रहे हो उतना के लिए रिजर्व एक CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन जितना आउट ऑफ ओन पॉकेट दे रहे हो, लैंग्वेज यही है तुम्हारे बुक में, आउट ऑफ ओन पॉकेट, खुद की जेब से दे रहे हो, खुद की जेब मतलब जो रिजर्व पीएल है तुम्हारे पास वहां से, और बाकी पैसा दूसरा सिक्योरिटी इशू करके अरेंज कर रहे हो, तो जितना जेब से दे रहे हो उतना के लिए CRR अकाउंट बनेगा। तो CRR अकाउंट क्रिएट करना मतलब लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो टू CRR, और डेबिट क्या होगा, या जनरल रिजर्व या पीएल, उनको डेबिट करोगे टू CRR। सर जितना आउट ऑफ आउट फ्रेश इशू दे रहे हैं इसको बोलते हैं आउट ऑफ फ्रेश इशू, जो डिबेंचर इक्विटी शेयर हम इशू करके पैसा अरेंज करें उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फ्रेश इशू, वो उसके लिए कुछ रिजर्व नहीं बना रहे, लेकिन जितना आउट ऑफ ओन पॉकेट दे रहे उतना के लिए रिजर्व बने, क्लियर है। यस सर। और चौथा और आखिरी एंट्री जो इस पार्ट में काम का है वो है सर जितना ये प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम देना एक टाइप का लॉस, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो ना, 1,00,000 रुपए पे 1,20,000 लौटा रहे हो, 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो लॉस, वो लॉस को राइट ऑफ करना, तो लॉस राइट ऑफ कैसे होगा, प्रीमियम जब दे रहे हो तो डेबिट कर रहे हो, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करोगे, और डेबिट क्या करोगे, सर अगर पहले से कोई आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा तो वो यूज कर लो, नहीं तो फिर तो जनरल रिजर्व या पीएल से तो एडजस्ट करोगे,
तो लॉस को भी राइट ऑफ करना। तो चार एंट्री पहले अपने मन में हेडिंग दोहराओ, सर पहला काम करना है ड्यू एंट्री पास, दूसरा एंट्री पेमेंट, तीसरा एंट्री सीआरआर अगर क्रिएट करना पड़ा तो, सर पूरा का पूरा ऑटो फ्रेश इशू कर रहे थे तो नहीं बनाते सीआरआर, ठीक है ना वैष्णवी, लाइन समझ में आया जो हम लास्ट में बोला? यस सर। और सर चौथा काम क्या करना है, वो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन दे रहे हैं वो राइट ऑफ करना है। ये चार बातें खुद को एकदम रिमाइंडर की तरह डालो, ये चार एंट्री तो करना ही करना है, मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं बचा। सर आप बोल रहे चार करना ही करना, मतलब और भी कुछ है एंट्री जो करना पड़ सकते हैं? हाँ कुछ तो होगा, तभी हम बोले ये चार करना ही करना है। सर एक तो ये जो आप डिवेंचर या इक्विटी बेच के पैसा उठा रहे हो उसका एंट्री पास करो, शेयर या डिवेंचर इशू करोगे बेटा तो वो भी तो कमी के लिए ट्रांजेक्शन हुआ, तो ट्रांजेक्शन है तो जनरल पास होगा, तो क्या एंट्री होगा? सर अगर आप इक्विटी या डिवेंचर जो भी इशू कर रहे हो क्या एंट्री होगा? सर आपके पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू डिवेंचर, अगर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कभी कभी एक घटना और होता है बेटा, आपको बोलता है कि कैश भी कम पड़ रहा था और तो उसके लिए कंपनी अपना कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया या कोई एसेट बेच के पैसा उठा दिया, तो वो एसेट बेचने का भी एंट्री हो, वो तुमको क्वेश्चन बोलेगा तो तुमको दिख ही जाएगा, अच्छा अगर ये एसेट बेचे तो वो तुम्हारे मन में ऑटो नहीं आता, भले कोई दिक्कत नहीं है तुमको दिखेगा, ये दोनों एंट्री तुमको दिखेगा बेटा, शेयर इश्यू करने का एंट्री क्वेश्चन बोलेगा ना कि कंपनी इतना इक्विटी शेयर बेचा या इतना वेंचर इशू किया या ये इन्वेस्टमेंट बेचा वो एसेट बेचा, तो बेटा वो तो क्वेश्चन में दिख जाता है तो एंट्री दिख जाता है करना है। लेकिन ये ऊपर चार हम बोला ना, ये बोले नहीं बोले तेरे ब्रेन में होना चाहिए, हमको ये चार एंट्री करना है, बात क्लियर? एक एंट्री और क्या हो जाएगा, एसेट बेचने का एंट्री, वो भी क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट या इन्वेस्टमेंट जो भी बोल लो, अब उसमें लॉस हुआ बेचने में तो पीएल डेबिट, फायदा हुआ तो टू पीएल, क्लियर है? तो सर हम चैप्टर का तो रिकैप मार दिएगा आपको, ताकि ये जब इसीलिए रिकैप मारा बेटा क्योंकि सम जब करोगे तो ब्रेन में वो बात आना चाहिए ना, अच्छा यही ये कर रहे हैं, वरना यही सोचते रहोगे कि सर जो बोले वो तो हो गया और कुछ करना था क्या, तो चलो ठीक है आप सम करते हैं, पहले एक तो जनरल कोर्स का सम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वो रिदम पता चले क्वेश्चन का, और फिर एक ऑनर्स पेपर का एक या दो सम्स कर लेंगे, ठीक है? Yes. चलो ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपने क्या बोला, कंपनी का स्टेटमेंट दिया एसेट एंड लायबिलिटी का एबीसी लिमिटेड का, तुमको बता रहा हूँ उसका शेयर कैपिटल कितना है, 15,000 शेयर इशू किया हुआ उसका इक्विटी वाला, 10 रुपये वाला, 1500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, सर रिडीमेबल तो होना ही था वरना ये चैप्टर नहीं बनेगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी जब बेचा था वो बता के बेचा था कि हम वापस लेंगे, सर 100 रुपये वाला है 1.5 लाख रुपये का, लेकिन सर एक पंगा 100 प्रेफरेंस शेयर ऐसा है जिनपे अभी भी 30 रुपये का कॉलिंग एरियर खड़ा है, ठीक है सर उसको देखेंगे क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है तुम्हारे पास 18,000 पहले से, रिजर्व है तुम्हारे पास 43,500, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है 15,000। चलिए सर नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्योंकि बाकी एसेट फैसेट देखने का जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बोल रहे 1/1/2016 को कंपनी फिक्स एसेट बेच दिया 30,000 का 27,000 रुपये में, तो सर इसका एंट्री पास होगा ना एसेट बेचने का, Yes. और लॉस में बेचा है तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, एसेट जा रहे हैं तो देखो पहला एंट्री यही पास कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 27,000, 3,000 और 30,000। ऑन द सेम डेट इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बाई इशूइंग सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, तो कंपनी आउट ऑफ फ्रेश इशू करने जा रहे हैं। Yes, sir. तो तुमको क्या लग रहा है, पूरा आउट ऑफ फ्रेश इशू हो रहा है कि कुछ ओन रिजर्व ओन फंड से भी यूज हो रहा है? ओन फंड से भी हो रहा है। कहां से पता चला? सर क्योंकि यहाँ लिखा कि सफिशियंट नंबर करने, मतलब पहले यहाँ पे बोला है सफिशियंट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला है, वेरी गुड, यहाँ पे बोला है सर सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर पूरा का पूरा कर रहे थे तो दिक्कत ही नहीं था,
और इसके बाद में जो लाइन बोला है ना बेटा वो असली लाइन है। तुमको यहाँ ये भी बोला सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन रिजर्व। हाँ जी यस सर। एक बात बोले मेरा वैष्णवी, ये सफिशियंट वर्ड तो तब भी बोल सकता था जब पूरा का पूरा भी इक्विटी से करना है, क्योंकि तुमको वो याद नहीं, ये तुम्हें लॉजिक नहीं होना, लेकिन ये वाला लाइन मेन है। तुमको बोला रिजर्व में खाली 15,000 रखना, मतलब बाकी यूज कर सकते हैं, तो तुमको रिजर्व 15,000 रखते हुए ये निकालना पड़ेगा कि कितना का तुम इक्विटी शेयर बेचोगे इस चैप्टर में बेटा। ना तो जर्नल टफ है सर, टोटल मिला के 500 जर्नल ही है, क्या टफ और क्या इजी। असली खेला यही होगा कि कितना अपनी पॉकेट से कर रहा है और कितना आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रहा है। ठीक है सर, दो एंट्री ना बहुत आसान है, वो तो कर लीजिए एग्जाम में, पहले उसका तो मार्क्स ले लीजिए। मेरा अगर ये गलती भी हो जाए बेटा, हम कितना आउट ऑफ ऑन कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, वो ब्लंडर हो भी जाए तो मेरा तीन एंट्री तो ऐसा है जहां ब्लंडर होना ही नहीं चाहिए, उसका नंबर तो आंख बंद करके आना चाहिए। सर ये एसेट बेचने का एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया था। सर ड्यू एंट्री और पेमेंट एंट्री में तो कोई गड़बड़ी हो गई नहीं, सोचो सोचो। ड्यू एंट्री क्या है? प्रिफरेंस शेयर कैंसिल करना, प्रीमियम डेबिट करना टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर करना, और फिर पेमेंट करना था प्रिफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक करना। इन दोनों में इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि तुम फंड कहां से जुगाड़ रहे हो? नहीं ना। नो सर। तो पहले इन दोनों को कर लो बेटा जी। नंबर उठाने का जगह ढूंढना हमेशा। अरे एक एंट्री गलती हो सकता है, छह एंट्री में एक मिस्टेक होगा, हो जाएगा और क्या होगा, पांच तो सही करके आए पहले परफेक्ट। ठीक है तो देखो अगला एंट्री लोग क्या कर लिया, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। अब यहां एक चीज गौर करने लायक है, कंपनी का प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 1,15,000 शेयर है ना। yes, लेकिन बेटा जी उसमें 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनका कॉलिंग एरियर पड़ा है, उनको रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम ऑलवेज फुल्ली पेड अप शेयर होगा। बेटा जी 1,500 में से 100 तो फुल्ली पेड अप नहीं है, तो मतलब कितने फुल्ली पेड अप है? 1,400। तो बस उन्हीं को रिडीम करना, तो उन्हीं को रिडीम करना खाली, ये कैच था। ठीक है चलो सर, ठीक है मूव ऑन करवाते हैं सबको। तो देखो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 1,40,000 कैंसिल किया, मतलब 1,400 × 100। ठीक है yes. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तो सर 1,40,000 का 20% प्रीमियम देने का बात हो रहा है, 20% प्रीमियम पे रिडीम करेगा। 1,40,000 का 20% 28,000, 10% 14,000, तो 20% 28,000, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 28,000 टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर 1,68,000। ठीक है यस सर। अगला दो एंट्री भी बहुत इजी होना चाहिए, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट का एंट्री, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। देख लो ये एंट्री तो नॉर्मल होगा ना, 1,68,000 पूरा दे दीजिए सर। और सर ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है आपके पास, इसको भी बुक से आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। आप 28,000 जो प्रीमियम और रिडेम्पशन दे रहे हो उसको रिजर्व से कैंसिल कर लीजिए, तो ये एंट्री भी आपके लिए आसान है। yes, देखो ना, आप खाली बचा कौन सा एंट्री सर, जब मेरा गड़बड़ होने का स्कोप बन सकता था। सर मेरा गड़बड़ होने का स्कोप बनता कितना रुपया का इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उसका एंट्री, और कितना CRR क्रिएट करना है उसका एंट्री। बस तो सर यही तो संभालना हो तो ठीक है। तो चलिए सर ये संभालने के लिए एक चीज देखते हैं पहले कि कितने रुपए का हम आउट ऑफ फ्रेश इशू करने जाएंगे। देखो मेरे को लौटाना कितना रुपया है, 1,40,000। ये ऑलवेज ये देखना बेटा करंट नॉमिनल वैल्यू, जो लौटाना है उसका नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम मत देखने जाना। मन में आएगा सर 1,40,000 तो प्रिफरेंस शेयर का देना है, 28,000 तो उसको प्रीमियम भी देना है, तो लौटाना तो 1,68,000 है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जो लौटा रहे हैं उसका फेस वैल्यू पे ध्यान देंगे वर्किंग के टाइम पे। 1,40,000 लौटाने 1,400 × 100 रुपया। तुम्हारे पास रिजर्व में कितना पैसा है वो देखो। चलो तुम्हारे पास रिजर्व फंड है 43,500 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 18,000 का, और PL बैलेंस है 15,000। ठीक है
18,43,500 और 15,000। तो ये देखो तुम्हारे पास 43,500 और 15,000 है, 18,000 प्रीमियम को यहाँ हाथ नहीं लगाओगे, 18,000 प्रीमियम को यहाँ हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा राइट ऑफ में काम नहीं आता, प्रीमियम केवल रिडेम्पशन को एडजस्ट करने में काम आता है वो। तो तुम्हारे पास कितना है, 43,500 और 15,000, जिसमें से तुम प्रीमियम और रिडेम्पशन 28,000 एडजस्ट कर लियो, तो तुम्हारे पास कितना है टोटल रुपया, 1 मिनट रुको, मेरे पास 43,500 है प्लस 15,000 है, कितना हुआ टोटल, 15,000 नहीं, मेरे पास पीएल कितना बैलेंस है, 58,500, 3,000 मेरा एसेट का लॉस भी तो हुआ है जो हमको एडजस्ट करना है पीएल से, तो मेरे पास है 55,500, 15,000 मेरे को बोला है मेरे को रिजर्व मेंटेन भी करना है, क्वेश्चन बोला है तुमको 15,000 का रिजर्व तो रखना ही है, तो वो 15 भी हटा लो, 15,000 का रिजर्व भी हटा लो, 3,000 कौन सा लॉस है, जो एसेट बेच के लॉस हुआ है वो भी तो ये देखो, जो पहला ही एंट्री पास की हो बैंक टू पीएल टू फिक्स एसेट, तो 3,000 का लॉस एडजस्ट हो गया, तो तुम्हारे पास अभी भी कितना है, 55,000 माइनस 15,000 मैंने 40,000 है तुम्हारे पास, है ना, सिर्फ 500 भी रुको ना, 40,000 है तो तुम्हारे 500 कौन सा, आ जाओ 40,500, हाँ ठीक है 40,500 है, अभी 28,000 का तुम वो लॉस को एडजस्ट किए, रिडेम्पशन का लॉस को एडजस्ट किए, जनरल रिजर्व से एडजस्ट किए ना रिडेम्पशन का लॉस, तो तुम्हारे पास कितना है, 12,500 है ना तुम्हारे पास, तो देखो 1,40,000 देना है तुम्हारे पास अपनी पॉकेट से देने के लिए 12,500 ही है, तो बाकी कहाँ से लाओगे, बाकी रुपए का इक्विटी शेयर बेचोगे, इक्विटी शेयर बेचोगे, अब इक्विटी शेयर पार पे बेच रहे हो कि प्रीमियम पे बेच रहे हो, क्वेश्चन में पढ़ लो, इक्विटी शेयर एट पार बोला है, तो ठीक है सर इक्विटी शेयर इशू करने का एंट्री पास कर लीजिए आराम से, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तुम चाहते हो तो एक साथ भी पास कर सकते हो, बैंक टू डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हो, इशू ऑफ शेयर में पड़े हो ना, पहले एप्लीकेशन करो बाद में शेयर इशू करो, तो वो कर लिए, आउट ऑफ अपना पॉकेट कितना कर रहे हो, 12,500 ना, तो उतना का देखो CRR बना के रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है, ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रॉपर सम था पूरा का पूरा। चलो अब ऑनर्स का पेपर पे आते हैं, ऑनर्स के सम बनाते हैं दोनों, ये देखो द कैपिटल ऑफ स्काई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एंड 2008% वाला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑफ विच 200 शेयर आर पेड अप 80 रुपीज ओनली, 200 शेयर पे हमको केवल 80 रुपीज करके मिला, ठीक है 2000 शेयर है उसमें से 200 शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब 1800 शेयर ही मेरा फुल्ली पेड अप है, यस तो उतना ही रिडीम करेंगे, यस ठीक बात, चलो ठीक है सर, सर आपके पास जनरल रिजर्व में 1,60,000 है, आपके पास पीएल बैलेंस है 30,000 और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में भी है 20,000, बोल रहा है कैश में आपके पास 1,80,000 है, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 1,80,000 का 1,800 शेयर रिडीम करने वाले हो, एक शेयर का दाम 100 रुपये है, मतलब 1,80,000 का रिडेम्पशन है, उस पर 10% प्रीमियम दोगे मतलब 18,000 का प्रीमियम भी दोगे, और इस पर्पस के लिए फ्रेश इशू करना है इक्विटी शेयर को एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, और तुमको रिजर्व में भी रखना है 50,000 रुपये, सर यहाँ पे ऑनर्स और जनरल में कोई फर्क नहीं, सेम डिटो सम दे दिया, ठीक है ठीक है सर, पहला एंट्री क्या होगा, हम लोग करेंगे इसको फटाफट, पहले पहला एंट्री होगा
ये रिडीम करने का ड्यू एंट्री की करना है रिडेम्पशन, तो फिर क्या होगा? प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनका नाम क्या है, 8% वाला प्रिफरेंस शेयर। प्रीमियम देना है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 18,000 रुपया, 1800 × 100, यहाँ पे जाएगा 1,80,000। प्रीमियम में जाएगा 18,000, टोटल हमको कितना देना है, 1,98,000, है ना। अब सर पेमेंट कर दीजिए तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,98,000 पे करने का भी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। ये 18,000 का जो प्रीमियम है ये भी राइट ऑफ करना है, तो तुम किससे राइट ऑफ कर सकते हो इजीली, इसको प्रीमियम से राइट ऑफ कर लो, तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नीचे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 18,000, ये भी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मेरा तीन एंट्री इजीली पास हो गया, तीन एंट्री इजीली पास हो गया। यहाँ पे कोई एसेट बेचा नहीं है, कोई बोला नहीं है कि कोई एसेट बेच के भी कैश अरेंज किया है, तो सर वरना वो भी एक एंट्री कर लेते, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट बेचने का अगर बोलता तो, वो नहीं है यहाँ पे। तो अब बचा क्या और दो एंट्री मेरा सर, इक्विटी शेयर बेचने का और CRR में कितना बेचना है उसका एंट्री, है ना। तो ब्रेन में ये, ब्रेन में ये स्टोरी चलना बहुत जरूरी है कि क्या क्या एंट्री होता है और क्या बच गया मेरा। तो ये हो गया आपका पहला एंट्री देखो जो हम लोग किए थे, दूसरा एंट्री ये देखो, PL से एडजस्ट कर लिया, प्रीमियम से एडजस्ट कर लिया, एक ही बात है। इसके अलावा ये देखो लोग ये यूज किया, ये बैंक से पेमेंट का एंट्री, अब केवल वही बचा इक्विटी का एंट्री और CRR का एंट्री। इसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा हमको कितना इक्विटी शेयर इशू करना है। तो मेरे पास जनरल रिजर्व कितना है, 1,60,000, हमको उसमें से रखना कितना है, 50,000, है ना। तो 1,60,000 - 50,000 यूज करने लायक रिजर्व कितना है, 1,10,000। मेरे पास PL बैलेंस है कितना, मेरे पास PL बैलेंस है 30,000, ये 1,40,000 बंड है मेरे पास। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन माइनस कर लिए तो बचा कितना, 1,22,000। मेरे को रुपया कितना लौटाना है, 1,80,000 लौटाना है, जिसमें से 1,22,000 मेरे खुद के पास है। तो कितना काम को फ्रेश इशू करना है, 58,000। अब यहाँ पे बोला है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं पार है, अगर पार की जगह प्रीमियम बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमेशा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लो पहले, पार है तो कोई दिक्कत नहीं है। 58,000 रुपीज शेयर इशू करके अरेंज करने डिवाइड बाई 10 कर लिए एक शेयर का इशू प्राइस, हमेशा कितना रुपया चाहिए डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर। अगर यहाँ बोला होता बेटा कि तुमको 12 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम पे ये इक्विटी शेयर इशू करोगे तो तुम क्या करते, 58,000 × 12 कर लेते, मारा आ जाता नंबर ऑफ शेयर, ठीक बात, कितना आ जाता अगर आता तो। तो हम क्या करते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 58,000 प्लस ये 4,833 क्या हो × 12, मतलब 58,000 किया था। अब फिर क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये 4,833 × 10 करते तो कैपिटल हो जाता और 4,833 × 2 करते तो प्रीमियम हो जाता, ठीक है ना। तो अगर पार भी बोल के कोई वैल्यू दे दे तो उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालना भूलना मत। तो देखो यही किया अगला एंट्री, तो बैंक टू एप्लीकेशन 58,000, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल 58,000, प्रीमियम था नहीं आता वरना टू प्रीमियम हो जाता। और अब सर अब CRR अपना फंड से कितना रुपये यूज करो, 1,22,000,
तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि तुम्हारे पास उतना अकेला जनरल रिजर्व में पैसा नहीं है कि तुम सीआरआर पूरा क्रिएट कर लो। तो पहला हमेशा जनरल रिजर्व को यूज करोगे। तुम्हारे पास जनरल रिजर्व में कितना है, 1,10,000, तो 1,10,000 यूज कर लिए पूरा, बाकी पीएल से यूज किए 12,000, क्योंकि 1,22,000 पूरा सीआरआर बनाने। तो पहला हमेशा बनेगा रिजर्व से, फिर पीएल से, ठीक है? यस। एक सम और करते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा कुछ बोला हो। हाँ यहाँ बोला है, देखो देखो तुमको यहाँ पे एक सम दिया है, तुमको एक बैलेंस शीट दिया है ग्रीन लिमिटेड का, जिसमें बता रहा है उसका शेयर कैपिटल है 6,00,000, उसका रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस है 90,000, क्योंकि पूरा का पूरा पीएल ही है, मतलब जनरल से कुछ नहीं, सब कुछ पीएल है। ठीक है सर, इससे आगे हमको और आइटम देखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे आके हमको एडजस्टमेंट में बोला चाहिए रहा, तुम्हारा प्रिफरेंस शेयर बोल रहा है 1,300 प्रिफरेंस शेयर है 1,30,000 का, मतलब कुछ भी पार्टली पेड अप नहीं है, सब फुल्ली पेड अप है। बढ़िया बात है सर, झमेला नहीं, पूरा रिडीम करेंगे। सर हमें हमको बोला है कि ये काम करने के लिए 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट बेच दिए 24,000। मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना देखो बुक्स में, शेयर का वैल्यू क्या है, प्रिफरेंस शेयर का 1,300 प्रिफरेंस शेयर है 100 रुपये वाला, 110 में रिडीम करेंगे, मतलब 1,30,000 लौटाना है और 13,000 प्रीमियम भी देना। यहाँ पे बोला इन्वेस्टमेंट को कितना में बेचे हैं, 24,000 में। तुम तुरंत जाके चेक करो तुम्हारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है कितना, 30,000। तो लॉस में बेचे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, है ना? बैंक में आएगा 24,000, पीएल में 6,000, और पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म 30,000 से बिक गया। इसके अलावा बोला टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडेम्पशन कंपनी सब्जेक्ट टू लीव अ बैंक बैलेंस ऑफ 26,000। कंपनी 26,000 बैंक बैलेंस रख के बाकी पूरा कैश यूज कर देगा। टू इशू द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रेज टू बैलेंस फंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देख लो, कंपनी इक्विटी शेयर जो इशू किया वो 10% प्रीमियम पे इशू किया, ठीक? Yes, तो देखो पहला एंट्री सिंपल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। ये भी एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसा लौटाने का एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रिफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का भी पीएल से एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली वही शेयर इशू करना और सीआरआर क्रिएट करने के एंट्री पे ध्यान देना। देख लो एग्जैक्टली प्रोसेस सेट कर लोगे ना तो एग्जाम में कोई एंट्री भूलोगे नहीं, सब करके आ जाओ। और ये आएगा मिनिमम 8 से 10 समझ असम से अगर आएगा तो, ठीक है ना? तो देखो अब इक्विटी शेयर कितने का इशू करे वो निकालना पड़ेगा सर। तो देखो तुम्हारे पास कैश बैलेंस है कितने, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा है वो गौर करो। हर बार अपने रिजल्ट को चेक कर रहे थे बेटा, है ना? जनरल रिजर्व पीएल में कितना बैलेंस है, कितना इक्विटी शेयर करना पड़ेगा। बट यहाँ वो देखने के पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा मेरा कैश का भी एक लोग कंडीशन रख दिया, मेरे पास कैश है कितना। सर आपका कैश है 70,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 है आपके पास, आपको लौटाना है कितना, 1,30,000 प्लस 1,43,000 लौटाना है आपको। बोल रहा है आपके पास 70,000 कैश है, उसमें से आपको 2,600 रखना ही पड़ेगा कभी भी इमरजेंसी के लिए, तो वो तो पहले ही कम कर दो। तो 4,000 तुम यूज कर सकते हो खाली कैश, है ना? तो ये देखो वही बोला 70,000 है। हाँ एक और एसेट बेच के भी तो पैसा आया 24,000, है ना? तो 94 कैश हो गया तुम्हारे पास, 26 तुमको बैलेंस रखना ही है, तो तुम्हारे पास फंड केवल 68,000 अवेलेबल है। तुमको लौटाना है 143, तुम्हारे पास फंड है 68, मतलब बाकी 75,000 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हर बार तुम रिजर्व में कितना बैलेंस है वो चेकआउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो नहीं कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो,
कैश बैलेंस को देखते हो, क्योंकि जो कंडीशन रखा है वही कंडीशन को पकड़ के चलोगे ना। सम जो कंडीशन मेंशन कर दिया तो देखो तुमको अब तुम इक्विटी शेयर कितना का इशू करोगे, तुमको यहाँ पे बोला है 10% फेस वैल्यू है 10% प्रीमियम पे, मतलब एक शेयर का दाम 11 रुपये है। Yes, 75,000 रुपया अगर चाहिए शेयर इशू करके, एक शेयर का दाम 11 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करोगे? 6818, ये देखो 6819 मतलब, ठीक है ना। तो अब 6819 इंटू 10 कर लो, ये देखो शेयर इशू का एंट्री क्या किया, 6819 इंटू 10 किया और 6819 इंटू 1 किया और ये एंट्री करिए। देखो 9 रुपया खाली थोड़ा बेसी आया वो राउंड ऑफ में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और अपनी जेब से कितना कर रहे हो सर? अपनी जेब से हम लोग कर रहे हैं 68,000 का, तो उतना का ही सीआरआर क्रिएट करोगे। नहीं सॉरी, तुमको लौटाना कितना है? 1,30,000 ना। फ्रेश इशू से कितना अरेंज किया? 68,190, तो बाकी अपनी जेब से कर दो 61,810, तो 61,810 का CRR बना रहे, PL to CRR, ठीक है। Yes, sir. ये है ये चैप्टर, हम आपको इसको PDF शेयर कर दे रहे हैं। हम 2016-17 बनवा दिया, 18 बनवा दिया, 15 आप बना लो, 15 और 14 दो ईयर बना लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर था, एक चैप्टर जिसमें आपके एग्जाम में एक सम्स आएगा तो आप इजीली कर पाओ। इसका भी ईयर पेपर हो गया डिस्कस। यस सर।